नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के आरोपों पर सीएम नीतीश ने दिया जवाब, कहा समय आने पर पता चल जाएगा। लखीसराय में नीतीश कुमार पर खूब बरसे अमित शाह, कहा उन्हें पीएम नहीं लालू यादव को मूर्ख बनाना है। पटना के बाद शिमला नहीं बेंगलुरु में होगा विपक्षी दलों की अगली बैठक, 13 और 14 जुलाई को होगा मंथन। अमित शाह पर ललन सिंह का पलटवार, कहा बड़का झूठा गृह मंत्री, आज आप अधिक तनाव में थे। अमित शाह के सामने सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा बिहार में सिर्फ बीजेपी का ही राज होगा। जदयू का बड़ा हमला, कहा केंद्रीय मंत्री का ललन फोबिया हो गया है, हिम्मत है तो अमित शाह मुंगेर से लड़े चुनाव। पीएम चलाते हैं धार्मिक उन्माद का फास्ट फूड चेन, अखिलेश सिंह ने अमित शाह को बताया डिलीवरी बॉय। बिहार के एक और बेटे को मोदी सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, सीआरपीएफ के डीजे बने वीके सिंह। बिहार शिक्षा विभाग का फरमान, कर्मचारी और अधिकारी अब नहीं पहन सकेंगे जीन्स टी शर्ट। और पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर आसार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जवाब दिया। पटना में आयोजित राजकीय समारोह के समापन के बाद जब मीडिया ने नीतीश कुमार से पूछा कि आप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटालेबाजों को बचाने का आरोप लगाया है, तो सीएम ने बस इतना कहा कि समय आने पर सब कुछ होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बता दें कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को विपक्षी एकता को लेकर हमला बोला था और तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों भी लिया। इस दौरान पीएम ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भी निशाना साधा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा जो व्यक्ति बार बार घर बदलता है उस पर क्या विश्वास करना चाहिए। वे कांग्रेस के दरवाजे पर पीएम बनने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। नीतीश कुमार को लालू यादव को मूर्ख बनाना है। अमित शाह ने कहा कि लालू को वे मूर्ख बना रहे हैं, वे बिहार में ही रहना चाहते हैं, सीएम बने रहना चाह रहे हैं, इसीलिए सभी बीजेपी विरोधियों को इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान बिहार की 40 लोकसभा सीट जीतने की हुंकार भरी और लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनाएंगे। विपक्षी एकता की कवायद के बीच विपक्षी दलों की अहम बैठक अब 13 और 14 जुलाई को होगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विपक्ष की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि बैठक 10 या 12 जुलाई को होगी। बैठक के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को चुना गया था। बता दें कि इससे पहले 23 जून को बैठक में विपक्षी दलों ने एक होकर बीजेपी को चुनौती देने पर अंतिम सहमति बना ली थी। अब 14 जुलाई को बैठक में एक विस्तृत चर्चा होगी कि चर्चा के बाद गठबंधन के नाम और इसके राष्ट्रीय कन्वेनर कुब के नाम पर सहमति बन सकती है। बता दें कि 23 जून को पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसमें 15 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि बड़का झूठा पार्टी के बड़का झूठा गृह मंत्री अमित शाह जी, लखीसराय में जुमलेबाजी करने से पहले आपको अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। ललन सिंह ने कहा है कि शायद आज आप अधिक तनाव में थे, इसलिए नीतीश सरकार की उपलब्धियों को भी अपने खाते में डाल रहे थे। ऐसा आप ही कर सकते हैं और यही देश के साथ भी कर रहे हैं। आखिर आप इतने घबराए हुए क्यों थे? लगातार आपके मुंह से लखीसराय की जगह मुंगेर निकल रहा था। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र लखीसराय में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। लखीसराय में गुरुवार को अमित शाह के सामने सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब बिहार में सिर्फ बीजेपी का ही राज होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब
चुनाव आए और राज्य की सभी 40 सीटें मोदी को देकर नीतीश का खाता न खुलने दे। 2014 के चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह को NDA के उम्मीदवार ने 1,00,000 वोटों से हराया था, दोबारा यही होगा। सम्राट ने कहा, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब बिहार में सिर्फ BJP का ही राज्य होगा, चाहे 24 हो या 25, सत्ता BJP की होगी। वही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने आने से लखीसराय के गरीबों और किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई। मुंगेर लोकसभा की ही बात कर ले तो मुंगेर लोकसभा ही नहीं आसपास के क्षेत्र के लोग भी बिहार को बदलने के लिए संकल्पित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जदयू की तरफ से उन्हें चुनौती दे दी गई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह को ललन फोबिया हो गया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि शाह को हिम्मत है तो वे मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं। नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह पूर्णिया जाते हैं तो ललन बाबू का नाम लेते हैं, हिसुआ जाते हैं तब भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही नाम लेते हैं। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमित शाह में दम है तो वो PM मोदी से जाकर कहें कि 2024 में मुंगेर से लोकसभा में चुनाव मैदान में उतारे, तब उनको एहसास होगा कि ललन बाबू की कार्य क्षमता क्या है और नीतीश बाबू की राजनीतिक गाथा क्या है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के लखीसराय में दिए गए भाषण के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज बकरीद के पाक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली और उनके द्वारा नफरत फैलाने की कोशिश एक घृणित कृत्य है। अखिलेश सिंह ने कहा कि मोदी जी धार्मिक उन्माद का फास्ट फूड चला रहे हैं और अमित शाह हैं उनके डिलीवरी बॉय। नफरत फैलाने की सारी कोशिशें केवल इसीलिए हो रही है कि कहीं महागठबंधन के बनते ही सत्ता हाथ से फिसल ना जाए। शिरकत का खौफ मोदी शाह के दिलो दिमाग को विचलित कर रहा है। आरा निवासी 1994 बैच के सीनियर IPS अधिकारी विनोद कुमार सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CRPF का नया ADG बनाया है। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश में ADG सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। विनोद सिंह बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। वह इससे पहले गृह विभाग में सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में तत्कालीन गृह मंत्री के साथ उनके OSD भी रह चुके हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने भोजपुर जिले के आरा के MP बाग निवासी 1988 बैच के सीनियर IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रॉ का चीफ नियुक्त किया था। अब आरा के ही विनोद कुमार सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CRPF का नया ADG बनाया है। बिहार शिक्षा विभाग ने अपनी सभी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक जरूरी आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी को फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करना होगा। विभाग ने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी किया है। अगर कोई भी कर्मी जींस टी शर्ट पहनकर आएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। निदेशक प्रशासन की ओर से इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि देखा जा रहा है कि कई पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान पहनकर आ रहे हैं। यह कार्यालय के गरिमा के विरुद्ध है। बिहार के सभी जिलों में मॉनसून अब एक्टिव हो गया है। पटना, बांका, बेतिया, सिवान समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। पटना में गुरुवार को तेज बरसात हुई जिससे तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई, पर राजधानी पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज सभी 38 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिन तक झमाझम बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज 4 जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश और 8 जिले कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, मधुबनी और सीतामढ़ी में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।